हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ और एक फ्रेश एंड न्यू वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप विंडोज 10 का परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो जस्ट वन क्लिक में। तो यार, सबसे पहले समझते हैं विंडोज 10 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको यूज करते करते धीरे धीरे वो स्लो एंड लैगी क्यों हो जाता है। आप कभी भी आपके सिस्टम में वेब ब्राउजिंग किए होंगे या गेमिंग किए होंगे या और कोई भी एप्लीकेशन का यूज किए होंगे, जब आप कोई भी एप्लीकेशन को रन करते हो तब ये कुछ टेम्पररी फाइल को आपके सिस्टम में सेव करता है, जो आपको पता नहीं रहता है वो कहाँ पे एग्जैक्टली सेव होता है। इसी के कारण आप उसे डिलीट नहीं कर पाते और टेम्पररी फाइल जो है वो स्पेस लेता चला जाता है धीरे धीरे, और आपका सिस्टम जो है वो स्लो होता जाता है। तब आप और मैं करते क्या है, जो भी फाइल सामने दिखा उसे डिलीट करते जाते हैं क्योंकि हमें तो सिस्टम खाली चाहिए। लेकिन आज के बाद से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो सेटिंग्स दिखाने वाला हूं उसको टर्न ऑन करते ही वो ऑटोमेटिकली जितना रिसाइकल बिन में फाइल पड़ा रहता है या कोई भी कैचे फाइल हो या टेम्पररी फाइल हो वो ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहेगा, जिससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्मूथ काम करेगा और लैग पहले से कम होगा। आज का जो वीडियो है बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है, तो इसी बात पे शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब होनी चाहिए। तो यार, इस सेटिंग्स को टर्न ऑन करने के लिए आपका जो सिस्टम है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उस पे आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद आपको चले आना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद आपको राइट कॉर्नर में दिखेगा नोटिफिकेशन आइकॉन, उसमें क्लिक करके आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद हम लोग सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग्स में आने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है सिस्टम, सिस्टम में आपको क्लिक करना है। सिस्टम में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे चला जाना है स्टोरेज, थोड़ा सा नीचे रहेगा स्टोरेज, स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिख जाएगी स्टोरेज सेक्शन के नीचे लिखा हुआ स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रीड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेम्पररी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। उसके नीचे एक ऑप्शन रहेगा, उसी में आपको क्लिक करके उसे टर्न ऑन कर देना है। बस यही था प्रोसेस जिसको आप ऑन करके आपका जो सिस्टम है उसको ऑटोमेटिकली बूस्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप जो काम मैनुअली करते थे आपका टाइम निकाल के, उसको आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अब से, क्योंकि आज से सिस्टम वो काम ऑटोमेटिकली करने वाला है। और इसी पेज के थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं आपका जो ऐप एंड फीचर है, कितना स्टोरेज लेके रखा है, आदर्श कितना लेके रखा है, टेम्पररी जो फाइल है वो कितना लेके रखा है। आप उसे यहाँ से भी मैनुअली क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो बस यही तक था आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।